Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of gram positive rods which doesn't form spore. तो जो ऐसे spore बनाने वाले थे वो bacillus और clostridium वाले थे, लेकिन जो कुछ spore नहीं बनाते तो उसके अंदर cornibacterium, diphtheria, listeria, monocytogenes हैं और last में gardnerella vaginalis हैं. ठीक हो गया. तो हमने इन तीन को पढ़ना है. जो gardnerella vaginalis पहले से स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा माइनर है, इसको याद करने की जरूरत है भी नहीं, तो हम इसको कांटा कर लेते हैं. ठीक हो गया. तो जो हमारा है cornibacterium diphtheria सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहले हमसे स्टार्ट करते हैं. जो cornibacterium diphtheria है, इसने डिफ्थीरिया कॉज करना है, जिसको उर्दू में खनाक बोलते हैं. अब इसकी शेप किस तरह से होती है, ग्राम पॉजिटिव रॉड है लेकिन क्लब शेप होता है, इस तरह वी एल यू पड़ा होता है इसका. और इसके ग्रैन्यूल्स होते हैं मेटाक्रोमेटिकली, मतलब दूसरों के लिए तो रेड स्टेन करते हैं लेकिन इसके लिए ब्लू स्टेनिंग होती है. ये एरोबिक है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है. अब इसके बाद इसके हैबिटेट देख लेते हैं. चूँकि खनाक है तो खनाक का जो डिजीज़ होता है, जो आपने यूज ऑफ फोर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जिसमें जो छोटी सी एक लड़की थी उसको हुआ हुआ था, तो उसकी हैबिटेट थी ह्यूमन थ्रॉट के अंदर होती है. ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के जरिए होती है. इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह से है, जो ऑर्गेनिज्म एक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसने क्या करना है, एलोंगेशन फैक्टर टू को इनहिबिट कर देना. एलोंगेशन फैक्टर असल में इसने एलोंगेशन फैक्टर टू की एडीपी राइबोसाइलेशन कर देनी है, जिसकी वजह से एलोंगेशन फैक्टर टू इनएक्टिव हो जाएगा. जब इनएक्टिव हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी. इस टॉक्सिन के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं प्रोटीन ए और प्रोटीन बी, या सब यूनिट ए सब यूनिट बी. तो सब यूनिट बी इसके अटैचमेंट प्रोवाइड करता है और सब यूनिट ए एडीपी राइबोसाइलेशन पावर प्रोवाइड करता है. उसके अंदर भी सूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलती है. याद रखना, सूडो मेम्ब्रेन एक क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल के अंदर भी देखने को मिलती थी, लेकिन वहाँ पे था सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटस, तो यहाँ पे सूडो मेम्ब्रेन थ्रॉट के अंदर देखने को मिलती है. इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स होते हैं थ्रॉट के, तो एक रफ सी मेम्ब्रेन बना लेती है, जिसको बोलते हैं सूडो मेम्ब्रेन इन थ्रॉट. लेबोरेटरी डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे. ग्राम स्टेनिंग में आपको ये क्लब शेप ग्राम नेगेटिव सॉरी ग्राम पॉजिटिव रॉड देखने को मिलेगी, वी या एल शेप. इसके साथ साथ अगर एक टेलोराइट प्लेट होती है, और आपने मेटल का नाम सुना होगा टेलोरियम, तो टेलोरियम के ऊपर एक ब्लैक कॉलोनी बना लेते हैं. ठीक हो गया. टेलोरियम के ऊपर इसके साथ साथ पहले प्रेसिपिटेंट टेस्ट करते हैं, तो उसमें भी आपको टॉक्सिन की प्रोडक्शन देखने को मिल सकती है. ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट ये होगा कि एंटी टॉक्सिन यूज़ करेंगे, पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट है. इसके साथ साथ पेनिसिलिन जी ये भी यूज़ कर सकते हैं. प्रिवेंशन क्या होगा, प्रिवेंशन में एक्टिव इम्यूनिटी आ जाती है कि इसकी वैक्सीन यूज़ करके, टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है, तो इसकी जो टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है वो डीटीएपी के साथ मिलकर यूज़ करते हैं. मतलब एक वैक्सीन होती है जिसके अंदर डिफ्थीरिया का भी होता है, टेटनस का भी होता है, और ए सेलुलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन, इन तीनों को मिला के पर्ट्यूसिस, टेटनस और डिफ्थीरिया, तो एक डीटीएपी बनती है. ठीक हो गया. तो ये तो हो गया कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरियाई का. अब इसके बाद है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस. तो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस ने करवाना है मेनिनजाइटिस और सेप्सिस करवाना है न्यूबॉर्न के अंदर, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एडल्ट के अंदर, लेकिन इम्यूनो कॉम्पिटेंट एडल्ट के अंदर कुछ नहीं कर सकेंगे. इसके साथ साथ फूड पॉइजनिंग, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस बोलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, स्मॉल ग्राम पॉजिटिव रॉड है, जबकि वो क्लब शेप था, एरोबिक था, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है. अभी ऑर्गेनिज्म इसने चूंकि मेनिनजाइटिस या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस भी करवाना, तो सबसे पहले जीआईटी के अंदर कॉलोनी बनाएगा, और जिसने सेप्सिस करवाना तो फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर करवाएगा. ठीक है. इसकी जो ट्रांसमिशन होती है, कहते हैं फीमेल में अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्लेसेंटा के अक्रॉस भी हो सकती है, डिलीवरी के दौरान भी हो सकती है. पैथोजेनेसिस किया, तो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है लिस्टेरियोलोसिन. नाम से लग रहा है कि इसने लिस्टेरिया का टॉक्सिन है, लिस्टेरियोलाइसिन, मतलब इसने तोड़ना है. किसको तोड़ना है, सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देना है. तो ये करता है सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मेनिनजाइटिस सेप्सिस देखने को मिलती है. और ऐसे इंडिविजुअल जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिनमें सेल इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो उनके अंदर इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल HIV एड्स के पेशेंट के अंदर इसके इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक हो गया. इसके बाद इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस देख लेते हैं. लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ग्राम स्टेनिंग करेंगे और इसके बाद कल्चरिंग करेंगे, तो आपको ये बीटा हिमोलिटिक कॉलोनी देखने को मिलेगी. बीटा हिमोलिटिक कॉलोनी का मतलब आपको ग्रीन जोन देखने को मिलता है. ठीक है. टम्बलिंग मोटिलिटी देखने को मिलेगी. टम्बलिंग का मतलब लंगड़ा के चलना, बिल्कुल इस तरह से रफ सा, इस तरह से जो चलते होते हैं टम्बलिंग, इस तरह से टम्बलिंग. ठीक है. तो लंगड़ा के चलने वाली को टम्बलिंग मोटिलिटी देखने को, टम्बलिंग मोटिलिटी बोलते हैं. तो मोटिलिटी आपको लिस्टेरिया के अंदर देखने को मिलती है. ट्रीटमेंट किया, तो ट्रीटमेंट में एम्पिसिलिन उसके साथ साथ जेंटामाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं. प्रिवेंशन किया, प्रेग्नेंट वुमन और अन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उसको अनपास्चुराइज मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि दूध के जरिए फैलता है. ठीक है. अनपास्चुराइज मिल्क प्रोडक्ट या रॉ वेजिटेबल, कच्ची जो होती है सब्जियां होती हैं, उनको प्रिवेंट करना चाहिए. किन को, प्रेग्नेंट वुमन को और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल को. ठीक हो गया. इसके साथ साथ इसकी वैक्सीन कोई भी अवेलेबल नहीं है. जो गार्डनीला वजाइनालिस है, ये बैक्टीरियल वजाइनोसिस का कास करवाता है. वजाइनोसिस का मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, अगर इन्फ्लेमेशन होती तो वजाइनाइटिस बोलते, लेकिन यहाँ पे वजाइनोसिस बोला है, मतलब यहाँ पे आपको पैथोजेनेसिस वजाइना की देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होती. दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड वजाइनोसिस. तो एक 5 मिनट से कम वाली वीडियो बना ली है हमने, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स नॉन स्पोर फॉर्मिंग. तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, रिवीजन के लिए बेस्ट है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी पार्टी का या हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.